नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए और फ्रेश वीडियो में। और मेरा नाम है राहुल जोशी। तो दोस्तों, यहाँ पे रियलमी ने अपने दो फोन यानी कि नार्जो सीरीज के दो फोन लॉन्च कर दिए, रियलमी नार्जो 50i और रियलमी नार्जो 50a। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले इस वीडियो के दरमियान रियलमी नार्जो 50i के बारे में। ये फोन कैसा है, अंडर 10,000 10,000 के नीचे आपको ये फोन कितने प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है और कौन से वेरियंट में मिल जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के दरमियान बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कलर के बारे में। तो यहां पे आपको दो कलर मिल जाते हैं, मिंट ग्रीन और कार्बन ब्लैक। तो दोस्तों, ये काफी हद तक आपको ये कलर अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि एक ही साइड में आप देखोगे तो यहां पे लाइट जैसे गिरती है हमको अलग अलग से कलर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी चीज है और साथ ही साथ में आपको डायगोनल स्ट्रिप की डिजाइन भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है, काफी लुक आपको अच्छा मिल जाता है। 10,000 के नीचे के फोन में हो गए तो कई सारे फोन अच्छा स्पेसिफिकेशन देते हैं मगर डिजाइन में लुक वाइज में अच्छे नहीं होते, मगर मुझे काफी अच्छा इसका लुक और पीछे का बैक का लुक खास करके मुझे अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रीन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको 6.5 इंच की HD प्लस स्क्रीन मिल जाती है, IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है, साथ ही साथ में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है। तो दोस्तों, एक इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच ही मिल जाएगी। और साथ ही साथ में दोस्तों, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे तो काफी अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की चीन थोड़ी सी मोटी देखने को मिल जाती है, साइड के बेजल थोड़े से पतले देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे डिजाइन के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले में भी नार्जो ने अच्छा काम किया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, प्रोसेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे SC9863A हमको प्रोसेसर ऑक्टाकोर का मिल जाता है। अगर आप इस प्राइस रेंज में देखोगे तो ये प्रोसेसर अच्छी बात है, क्योंकि वेल ऑप्टिमाइज किया गया है। और दोस्तों, हम बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 5000mAh की हमको बैटरी मिल जाती है। अगर आप एक हैवी यूजर हो तो दोस्तों, यहाँ पे एक डेढ़ दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, पेरेंट्स के लिए या घर के लिए ले रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे दो या ढाई दिन तक आराम से आपकी बैटरी चलेगी। तो यहाँ पे हमको कोई फास्ट चार्जर नहीं दिया गया, रेगुलर जो 5W का जो चार्जर आता है वही हमको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे 8MP का मेन कैमरा सेंसर मिलता है, जिसमें नाइट मोड अच्छी तरीके से मिल जाता है, ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं कैमरे के फीचर के बारे में। और साथ ही साथ में हमको सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है बैक साइड में। दोस्तों, सेल्फी की बात करें तो 5MP की सेल्फी हमको इस फोन के अंदर मिल जाती है और AI ब्यूटी मोड भी आपको मिल जाता है। तो अगर दोस्तों, अगर आप 10,000 के नीचे ये फोन लेना चाहते हो तो कैमरे के मामले में ठीक ठाक फोन है, बहुत ही अच्छी तरीके से कैमरा नहीं दिया गया है। फिर भी दोस्तों, जो प्राइस रेंज पे ये फोन आया है वो कैमरा इस हिसाब से बढ़िया है दोस्तों। अगर दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो इसमें हमको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, क्योंकि जो ये प्राइस रेंज में आता है ज्यादातर फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है, अगर आप फिंगरप्रिंट ज्यादा यूज करते हो तो आपके लिए थोड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। मगर हाँ दोस्तों, इसमें फेस अनलॉक दिया गया है। तो यहाँ पे हमको 8.9mm थिक मिल जाता है और उसकी वेट की बात करें तो 195 ग्राम इसका वेट आता है, थोड़ा हेवियर साइड है। तो दोस्तों, अगर OS की बात करें तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 साथ ही साथ में Realme UI 2.0 भी मिल जाता है। और दोस्तों, अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको 4G वॉल्टी सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई भी मिल जाता है, और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल सभी सेंसर हमको इसमें मिल जाते हैं मगर फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मेरे ओपिनियन पे, उससे पहले इसकी हम प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो 2GB 32GB की प्राइस आती है 7,499 और 4GB 64GB की प्राइस आती है 8,999। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इस प्राइस रेंज में हमको ये फोन मिल जाता है और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ हमको बड़ी बैटरी मिल जाती है, अच्छा सा डिजाइन मिल जाता है। अगर आप दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर छोड़ दे और सभी सेंसर आपको मिल जाते हैं तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में हमको अच्छी डील मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक 7-8 हज़ार या 9,000 तक फोन देखना चाहते हो तो इसे आप जरूर से ले सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।